आज हम सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप दो तरह से निकाल सकते हैं। आपके पास सबसे पहले अगर आपके पास राइट ट्रायंगल है तो जो आपके पास एरिया बनेगा, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू हाफ बेस, दिस इज योर बेस, हाफ बेस इनटू हाइट और अल्टीट्यूड भी बोल सकते हो आप। तो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। अगर आपके पास राइट ट्रायंगल ना हो और आपके पास एक सिंपल ट्रायंगल दे रखी हो जिसमें साइड्स दे रखी हो और जिसकी साइड्स जो है लेट सपोज ए बी और सी है, तो आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता है दैट इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, ए मीन्स फर्स्ट साइड, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। दिस इज एरिया ऑफ व्हाट ट्रायंगल। एंड व्हाट इज एस हियर, एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। पहले आप एस निकालिए और एस निकालने के बाद जो आपके पास आता है उसको इस फॉर्मूले में यूज करिए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी आर सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इस तरह आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।